शहर पे हिंदुस्तानी लोग है बड़े बेदार चला बेदार बगल शानदार दिमाग खराब रखते। हमने कभी किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं की है, होने भी ऐसी कोई गुलामी बर्दाश्त जी और नहीं करनी किसी भी, लेकिन बैठे बैठे मसला हल ना होगा पाजी और कोशिश करना पड़ना तब तब फिर मसला हल हो सकता। कर बैठे बैठे कोई मसला हल है मुस्कुराओ तो इसलिए पंजाबी कौम बहुत बहादुर कौम है। अभी मैंने नानक का कलाम सुना है, क्या कलाम है गुरमुखी जुबान में, आप लोगों ने बहुत से लोगों को सुना होगा संस्कृत में, गुरमुखी गुरु के मुंह से निकला हुआ कलाम शब्द अल्फाज बच इसे गुरमुखी कहा जाता है। आप बोलोगे गुरु के नीचे आपके जो गुरु है बिहार का गुरु नहीं है, आप सोचो कि हमारा गुरु भी कुछ बोलता होगा, तो यहाँ का गुरु पंजाब का गुरु में अंतर है। हाँ वो अंतर मंतर में हम समझाएंगे आपको, ठीक है ना। बोलता गुरु के मुंह से निकला हुआ कलाम उसको गुरमुखी, सिखों की मजहबी जुबान को कहा जाता गुरमुखी, जिसमें उनकी धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ है उसको गुरमुखी में लिए वो किताब लिखी हुई है। उसी का मैंने एक चैप्टर आपको सुनाया, बहुत शानदार कलाम उन्हीं के अंदाज में सुनाया। सोचे सोची ना होवे ये सोचे लख बार, तड़प के सुभान अल्लाह कह दीजिए सुक्ति वाला, चुप चुप न होए जो लाए रिहाल अवतार। ये इस्लाम का पूरा पैगाम पंजाबी जबान में गुरु नानक ने दिया है, वो इस्लाम पे थे। इस्लाम क्या है हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह, आप लोग समझे। हम ये तकरीर सुनाने नहीं आए हैं साहब, हम आपको दाई बनाने आए हैं। क्या आप आकाश को प्रकाश को ज्ञानी को डब्लू बुश को इस्लाम का पैगाम सच्चाई का पैगाम ईश्वर का पैगाम खुदा का पैगाम खुदा का मैसेज खुदा का संदेश किस अंदाज से देंगे, क्या तरीका होगा क्या उसलूब होगा क्या ढांचा होगा और क्या तरतीब होगी, ये बताने आए हैं। हमारा मुआजना किसी से ना करें। वो मुखर्रिर साहब आए मैक फाड़ दिया स्टेज तोड़ दिया, हम स्टेज नहीं तोड़ते मैक नहीं फाड़ते, हाँ शैतान का स्टेज तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कि नहीं भाई तोड़ेंगे, लेकिन आप तो हफ्ते में एक मरतबा मशवरा करते, लेकिन शैतान बाबू जो है ना लाल बाबू तो हर दिन मशवरा करता है ना। वह कहाँ मानंदा पे बैठ के सारे बिजली से अपने लश्कर को बुलाता है। आज जो है ना पटू गांव में किन किन नौजवानों ने नमाज छोड़ दी, किसको क्या शैतानी की, कौन लड़ाई किया कौन भिड़ंत किया कौन एक दूसरे को मारा किसने चुगली की। फला बोलता है साहब मैंने तो नवेद भाई को अब्दुल्ला भाई से लड़ा दिया, उन दोनों की बीवियों को लड़ा दिया, इतनी गालियां दिलवाई अगर उनकी एक कैसेट बना के पटू गांव में बाजार में बेचते तो 100 रुपये में बिक जाता, इतनी सारी गालियां दिलवाई। तो शैतान की मेहनत रोजाना हो रही है, कर रहा है। मौलवी को भी सताता है मौलवी को भी परेशान करता है, मुफ्ती के सामने मुफ्ती बन के आता है, आलिम के सामने आलिम बन के आता है, काजी के सामने काजी बन के आता है, पीर के सामने पीर बन के आता है। ये कहता है सुम मलाथियनहम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। आप बोलते हो सर अब मैं मुखिया में जी जाऊंगा तो बल्ले बल्ले, शैतान कहता है साडा बल्ले बल्ले इतने ही खत्म नहीं है हुण साडा बल्ले बल्ले दी शान और है। शैतान कसम खाण दा सहू खाण दा हलफ लेण दा ओए की कहंदा पता, अरबी का ग्रामर है लाम ताकीद बनून ताकीद सकीला खफीफा, जो अरबी से जरा वाकफियत रखते हैं तालीमी बेदारी को अपने दिमाग में रोशन रखते हैं इस्लाम से वो कॉन्टेक्ट रखते हैं कुरान वो पढ़ते हैं हदीस को समझते हैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखते हैं अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में जगाते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि अरबी के इन अल्फाज के माना क्या होता है।
शैतान की कहना भाजी मालूम बोलता काका मैं तेनू छड़ना नहीं, मैं तेनू वो छड़ना नहीं, तेरे घर दे विच बाजार दे विच अगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ हर पासे मैं तेनू छड़ना नहीं। वह पुत्र सुन वाला था कि दो सरो शाकिरीन ओ मैं तेरे पर आक्रमण कर देना, वह तेरे ते अटैक कर देना, तेरा ईमान छीन लेना, तेनू रबड़ दा बंदा नहीं बन देना, मैं तो तेनू अपना पुत्र बना लेना। वह पंजाबी समझ में आ रही है? समझ में ना आए तो बोल देना, मैं थोड़ा आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा पागल टाइप का आदमी हूँ तो ठीक है ना। शैतान कहता अल्लाह ये अब्दुल्ला इसको छोड़ूंगा नहीं, कसम खुदा इसके बाप की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, इसके बेटे को मैं नहीं छोड़ने वाला, ये लोग धक्का बहुत खाया है, धक्का मारूंगा जहन्नम में डालूंगा। सुक्ती की चटनी इन्होंने खाया, मिर्ची डाल डाल के उसमें नमक लगा लगा के 3 किलो पन का भात खाया है। मियां हंस रहा है, इसको अभी पंता नजर आ रहा है, सुबह शाम को ही सुबह का पंता। पंता खा के आप लोग जनता जाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ी सी देखो, मैं भी तरतीब थोड़ा आपको लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा जगाते जगाते अब भागना नहीं भाई, ये जो मैदान है करबला में बहुत से लोग सोने लगे हैं, उसको जगा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ, या कोई अमरीकी फौज की वो फायरिंग भी हो रही है कि आप बिल्कुल इस तरह पड़े हो रहे हो, ठीक है ना। जागिए, जगाइए और सदरों को बहुत अल्लाह रसूल की बातें बताते, कसम खुदा की आपका दिल बेदार हो जाएगा। इतने कुरान हदीस से मुस्तंबत, कुरान हदीस से निकली हुई बातें, लेकिन दुनिया के मुसलमान बिगड़ गए, ईमान वाला बिगड़ गया। नबी का दीवाना कुरान से दूर हो गया, नबी का दीवाना शरीयत से दूर हो गया, नबी का दीवाना नबी से दूर हो गया, तो आकाश प्रकाश भाई का क्या हाल होगा, जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला आकाश प्रकाश जोनो ये बोलते दानिश, जब ये नमाज नहीं पढ़ता तो आकाश प्रकाश इस्लाम पे कैसे समझेगा, वो सच्चाई का ज्ञान वो कैसे समझेगा, ये खुद दूर हो गया है। इसलिए हम जब दूर हो गए तो दुनिया जहन्नम की तरफ चल गई है और हर चीज अपने तरफ खींच रही है। शैतान पूरी ताकत के साथ, अपने सुर्रियत के साथ, अपने लाओ लश्कर के साथ, पूरे काफले के साथ आप पर, आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके बीवियों पर, आपके माँ बाप पर, सब पर हमला हो रहा है। आपको अंदाजा नहीं होगा मौलवी साहब कैसे है, पूरे गांव में जरा सर्वे करना, आप लोग सर्वे करते हैं, किसी का आधार कार्ड बना, किसी का वोटर कार्ड बना, किसी का इलेक्शन कार्ड बना, इसका भी सर्वे करिए कि ईमान का आधार कार्ड का जो नंबर है पूरा पूरा सही है, वरना जैसे मोदी जी ने कहा ना हम NRC लागू करेंगे, NPR होने वाला है, अभी अप्रैल में अमित शाह ने